विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा पंजाब से सटी सीमाओं पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते एक तरफ पुलिस के जवान आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में तैनात हैं, वहीं इसके साथ साथ ही अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियों को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हुए तैनात कर दिया गया है। जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार धीमान ने बताया कि विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री रोकने के लिए विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। चुनाव के नजदीक आते ही अवैध शराब का धंधा जोर पकड़ने लगता है, लेकिन पुलिस इस धंधे को अंजाम देने वाले लोगों को माकूल जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी समय समय पर हर व्यवस्था को फील्ड में उतर कर जांच रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग प्रभावी ना हो पाए। ये जिला ऊना का एक तो पंजाब का बॉर्डर के लगने के कारण और साथ में मौजूदा में जो चुनाव हो रहे हैं उसके तहत हमने अभी तक 4 जो कंपनीज हैं वो अर्धसैनिक बलों की 25 इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे लगाई हुई हैं। साथ में हमारे अपने जवान भी लगे हुए हैं और इसमें हमने आदेश दिए हैं कि जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ से एक तो एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए, साथ में इलीगल माइनिंग जो हो रही है उसके ऊपर चेक लगाया जाए, साथ में जो भी चुनाव के समय जिस तरह से विदित है कि शराब आदि का और अवैध गतिविधियां बढ़ती हैं तो उनको रोकने के लिए हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं और जो जवान हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं। विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा पंजाब से सटी सीमाओं पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते एक तरफ पुलिस के जवान आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में तैनात हैं, वहीं इसके साथ साथ ही अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियों को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हुए तैनात कर दिया गया है। जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार धीमान ने बताया कि विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री रोकने के लिए विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। चुनाव के नजदीक आते ही अवैध शराब का धंधा जोर पकड़ने लगता है, लेकिन पुलिस इस धंधे को अंजाम देने वाले लोगों को माकूल जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी समय समय पर हर व्यवस्था को फील्ड में उतर कर जांच रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग प्रभावी ना हो पाए। ये जिला ऊना का एक तो पंजाब का बॉर्डर के लगने के कारण और साथ में मौजूदा में जो चुनाव हो रहे हैं उसके तहत हमने अभी तक 4 जो कंपनीज हैं वो अर्धसैनिक बलों की 25 इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे लगाई हुई हैं। साथ में हमारे अपने जवान भी लगे हुए हैं और इसमें हमने आदेश दिए हैं कि जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ से एक तो एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए, साथ में इलीगल माइनिंग जो हो रही है उसके ऊपर चेक लगाया जाए, साथ में जो भी चुनाव के समय जिस तरह से विदित है कि शराब आदि का और अवैध गतिविधियां बढ़ती हैं तो उनको रोकने के लिए हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं और जो जवान हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं।